राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत आज नीमच में भी गांधी वाटिका में हड़ताल का असर देखने को मिला। बड़ी संख्या में श्रम संगठनों के सदस्य एकजुट हुए और गांधी वाटिका में कई समय तक विरोध प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। देश के करोड़ों मेहनतकश मजदूर, किसान, आम जनता, छात्र, नौजवानों को लूटने वाली नीतियों के खिलाफ भारत के 10 बड़े केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर आज नीमच गांधी वाटिका में राष्ट्रव्यापी हड़ताल देखी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में सभी श्रम संगठनों के सदस्य एकजुट हुए और गांधी वाटिका में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रव्यापी हड़ताल प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका सहित सभी श्रम संगठनों के सदस्य उपस्थित थे। लगभग 2 से 3 घंटे तक गांधी वाटिका में श्रम संगठनों के सदस्यों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। बाद तहसीलदार अजय हिंगे गांधी वाटिका पहुंचे, जहां सभी ने अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द अपनी मांगों को पूरा करने की मांग करी। हिंदुस्तान के 10 बड़े केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर पूरे देश भर के अंदर सारे श्रम संगठनों ने हड़ताल का आह्वान किया था और आज हिंदुस्तान के अंदर 25 करोड़ मजदूर, किसान और जितने भी कर्मचारी हैं वे आज हड़ताल पर हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि एक आदमी को परिवार चलाने जितना वेतन मिलना चाहिए, उसको रोजी रोटी मिलनी चाहिए, उसको काम मिलना चाहिए। मोदी सरकार ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, परिस्थिति ये है कि 8 करोड़ लोगों के रोज़गार छीन लिए गए हैं। मोदी सरकार पूरी तरह से इस काम में नाकाम रही है। मोदी सरकार काम नहीं दे रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोग बेरोजगारी लेकर जवान बच्चे घूम रहे हैं और ये सरकार इन सब जो बेसिक मुद्दे हैं हमारे, जिनके ऊपर हमारा पूरा जीवन निर्भर है, उस पर से ध्यान हटा के और दूसरे मुद्दों पर ये सरकार ध्यान भटका रही है और लोगों को पेट भरने के लिए भी आज संघर्ष करना पड़ रहा है।